हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीसी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स के बारे में। हमने ये जाना था कि हम अलग अलग तरह के कॉन्स्टेंट्स कैसे यूज करेंगे डेटाबेस के अंदर में, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, इन सारे कॉन्स्टेंट्स को चेक किया था। आज हम बात कर रहे हैं की कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि ये की कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने एक डेटाबेस यूज किया था, उस डेटाबेस का नाम था इन्फोटेक 802। तो चलो मैं उस डेटाबेस को यूज करके सबसे पहले मैं देखता हूँ कि वो टेबल कौन सा है जिस टेबल के अंदर हमने काम किया था। तो वो टेबल मैं यहाँ से शो करता हूँ, शो टेबल्स। शो टेबल्स करने के बाद आपके सामने देखिए टीचर वन टेबल्स दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ दोनों ही टेबल को, टीचर को भी, और डिस्क्राइब मैं यहाँ पर कर देता हूँ टीचर वन को भी। तो आप देख सकते हैं कि टीचर वन के अंदर में हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स भी यूज किया था, जहां पे हमने डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स को भी यूज किया था, यहां पे प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स को भी यूज किया था और नॉट नल कॉन्स्टेंट्स को भी यूज किया था। ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। अगर आप ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, इस टेबल्स के अंदर, तो देखिए जो पहला कॉलम है टीआईडी, उसके आगे इंटीजर लिखा हुआ है और नल की जगह पे देख सकते हैं यहां पे नो लिखा हुआ है। और अगर आप की को देखें तो ये प्राइमरी लिखा हुआ है। एफ नेम के आगे देखिए ये वैर का डेटा टाइप है और नल नो दिया हुआ है, इसका मतलब ये नॉट नल होगा। और यहां पर डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स क्लियरली दिखाई दे रहा है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है यहां पर, एम है, और बाकी सभी कॉल फील्ड्स के अंदर में डिफॉल्ट वैल्यू नल है। आइए अब समझते हैं कि हम कॉन्स्टेंट्स को कैसे, की कॉन्स्टेंट्स कहते किसको हैं और उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए प्राइमरी की जो होता है किसी टेबल्स का, उसे हम की कॉन्स्टेंट्स के नाम से जानते हैं। ये हमारी हेल्प होती है इस बात के लिए, हमें यहाँ प्राइमरी की जरूरत होती क्या है और प्राइमरी की को पहले जानिए कि प्राइमरी की होता क्या है। देखिए प्राइमरी की हमारे पास एक ऐसा कॉलम, ऐसा की है जो इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो रिकॉर्ड्स की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। मींस प्राइमरी की इज अ की व्हिच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। अब प्राइमरी की का इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं, एज अ टेबल कॉन्स्टेंट्स अभी हम यहां पे लिख सकते हैं कॉलम कॉन्स्टेंट्स के तौर पर भी लिख सकते हैं और एज अ टेबल कॉन्स्टेंट्स भी हम उसको लिख सकते हैं। अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो आपको वहां पे दो चीज ध्यान रखना है कि अगर टेबल में प्राइमरी की है तो वो नल वैल्यू को नहीं रखेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। तो प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो तरीके से मैं बता रहा हूं। एक तो आपका हो गया द मेथड नंबर टू कि आप दो कॉलम्स को, सेट ऑफ कॉलम्स को, ग्रुप ऑफ कॉलम्स को आप अगर प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं तो आप टेबल कॉन्स्टेंट्स के तौर पे यूज करेंगे, अदरवाइज आप उसे कॉलम कॉन्स्टेंट्स के तौर पर, अगर सिर्फ टीचर आईडी को प्राइमरी की बनाना है तो कॉलम कॉन्स्टेंट्स पे आप उसे यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है। देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब हो गया है कि जब एक टेबल किसी दूसरे टेबल से रेफरेंस कर रहा होगा, एक टेबल जब दूसरे टेबल से कनेक्ट कर रहा होगा, तो यहां पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई होती है। इसके लिए हमें एक की यूज करना होता है, दैट की इज कॉल्ड फॉरेन की। फॉरेन की एक ऐसा की है जिसकी वैल्यू डिराइव्ड होती है प्राइमरी की से, मतलब ये रिलेट होता है प्राइमरी की से। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं और इन मल्टीपल टेबल्स को आपको रिलेट करना चाहते हैं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट के अंदर में एक डिपार्टमेंट आईडी लिखा हुआ है और उस डिपार्टमेंट आईडी को, इस डिपार्टमेंट आईडी को मैं को रिलेट करना चाहता हूं अपने टीचर्स के अंदर में। जब मैं किसी भी टीचर्स के इंफॉर्मेशन को फिलअप करूंगा तो मैं वहां पे डिपार्टमेंट के आईडी की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। और यहां पे डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की यूज किया जाएगा, जो कि इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन प्राइमरी की यूज हो रहा होता है। तो कैसे आप फॉरेन की डिफाइन करेंगे, फॉरेन की डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको फॉरेन की कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या है, हमारे पास पहले डिपार्टमेंट टेबल हमारे पास होना चाहिए। तो आइए मैं आपको सबसे पहले प्राइमरी की करके दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको फॉरेन की भी करके दिखाता हूं, प्राइम टेबल कॉन्स्टेंट्स की मदद से एंड कॉलम कॉन्स्टेंट्स दोनों तरीके से। तो फटाफट चलते हैं, उसके बाद फॉरेन की के बारे में कुछ और जानकारी भी लेंगे इजली। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट टेबल कमांड्स को कंप्लीट करते हैं और समझते हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो पहुंचते हैं MySQL पे। जब हम MySQL पे आते हैं तो यहाँ पे टेबल्स और डेटाबेस मैंने यूज कर रखा है, मतलब डेटाबेस को यूज कर रखा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर में वैल्यूज टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो चलिए टेबल क्रिएट करें।
तो कमांड क्या आएगा उसके लिए, कमांड आएगा क्रिएट टेबल। तो मैंने यहां पे लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं यहां पे दे देता हूं टीचर टू, और टीचर टू के अंदर में ओपन पैरेंथेसिस, और यहां पे सबसे पहला कॉलम का नाम मैंने दे दिया टीआईडी, और यहां पे बना दी इंटीजर, यहां पे लिख दिया 11, यहां पे लिख दिया प्राइमरी की दे दिया। ठीक है, तो अब मैं ये तो हमारा कॉलम, और यहाँ पे मैं एक ही कॉलम लिखूंगा, मैं ज्यादा भी कॉलम नहीं दूंगा। एफ नेम को मैंने यहाँ पे वैर कर करके यहाँ पे 20-30 नॉट नल लगा देता हूँ, नॉट नल, और बस हो गया, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ये तो हो गया हमारा कॉलम कॉन्स्टेंट्स के तौर पे प्राइमरी की को डिफाइन करना। लेकिन अगर इसी जगह पे हमें टेबल कॉन्स्टेंट्स के तौर पे प्राइमरी की को यूज करना है, तो क्रिएट टेबल में यहाँ पे टीचर थ्री लिख देता हूँ, टीचर थ्री। ठीक है, और इसके अंदर में मैंने एक कॉलम बनाया टीआईडी, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर। ओके, प्राइमरी की नहीं दूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, मैंने लिख दिया कैर 20। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि TID और नेम एक और कॉलम में ले लेता हूँ एड्रेस, और इसको मैं कर देता हूँ वेर कैर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, 25 कुछ भी लिख दीजिए आप, 30 भी लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि TID और नेम दोनों ही प्राइमरी की बन जाए, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे TID कॉमन नेम। एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी टेबल्स के अंदर में दो प्राइमरी की नहीं होते हैं, बट ग्रुप ऑफ कॉलम्स को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्लियर है, किसी भी कॉलम के टेबल के अंदर में दो प्राइमरी की नहीं होते हैं, बट ग्रुप ऑफ कॉलम्स को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ टीआईडी प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे टीआईडी एंड नेम कंपोजिट प्राइमरी की के तौर पे जाने जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉरेन की के बारे में कि हम फॉरेन की कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डिपार्टमेंट टेबल की जरूरत है, तो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में यहाँ पे मुझे क्रिएट डिपार्टमेंट नहीं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट करना है। इसके अंदर में मैं एक डेप्ट आईडी लिख देता हूँ, डेप्ट आईडी देता हूँ इंटीजर, या आप कैर भी लिख सकते हैं, कुछ भी है ना, D1, D2 कुछ भी हम दे देंगे डिपार्टमेंट का नाम। और इसको मैं बना देता हूँ प्राइमरी की। ध्यान रखना है कि एक कॉलम प्राइमरी की मुझे रखना है, और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट नेम लिखा, यहाँ पे दे देता हूँ कैर 30 या 20 कुछ भी साइज दे देते हैं हम यहाँ पे। नॉट नल अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप रहने दो। तो मेरा दो टेबल्स दो कॉलम्स बन गए, ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं केवल क्रिएट करना चाहता हूँ टीचर 4, क्रिएट टेबल टीचर 4। अब इस टीचर 4 के अंदर में मैंने उसकी मान लो टीचर आईडी रख ली, इंटीजर कर दिया, और इसको मैंने प्राइमरी की भी डिफाइन कर दिया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, एक नेम कॉलम मैंने लिया, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम के आगे मैंने यहाँ पे कै 20 या 30 जो भी देना था दे दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस ले लिया, और एड्रेस को मैंने यहाँ पे वैर कैर कर दिया। वैर कैर और कैर के बीच में आपको पता होगा क्या डिफरेंस है, फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ का कंसेप्ट होता है। जब आप कैर डेटा टाइप देते हैं तो हमेशा वो 20 bytes ऑफ मेमोरी, जैसे मैंने यहाँ पे कै 20 लिखा है तो 20 bytes ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। लेकिन वैर कैर में क्या होगा, डिपेंड अपॉन द डेटा, अगर डेटा 6 कैरेक्टर का है तो 6 bytes कंज्यूम करेगा, और 30 कैरेक्टर का है तो 30 bytes कंज्यूम करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे दे दिया डिपार्टमेंट नंबर, और इसको मैंने दे दिया इंटीजर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर को मैं को रिलेट करूँ, तो मैंने इसके लिए क्या लिखना होगा, फॉरेन की, FOREIGN फॉरेन की। फॉरेन की में अब आपको क्या करना है, किसको फॉरेन की बनाना चाहते हैं, तो फॉरेन की हम डिपार्टमेंट नंबर को बनाना चाहते हैं डिपार्टमेंट नंबर। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर को रिलेट कहाँ से करेगा, तो को रिलेट करेगा ये रेफरेंसेस, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस के बाद यहाँ पे आपको उस कॉलम टेबल का नाम देना पड़ेगा जिस टेबल के साथ इसको को रिलेट करना है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर उस कॉलम का क्या नाम है, उसका नाम डिपार्टमेंट आईडी है। ये क्या जरूरी नहीं है कि जो कॉलम आपने यहाँ बनाया जिस नाम से उसी नाम से कॉलम यहाँ भी हो, बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि फॉरेन की और प्राइमरी की, मतलब जो फॉरेन की वाला कॉलम होते हैं उसके नाम में, और जो एग्जिस्टिंग टेबल जिसके साथ हम कोरिलेट करने वाले हैं उसके अंदर उस कॉलम का नाम एक जैसा ही रखा जाता है। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ तो मुझे कोई एरर मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। मैंने एंटर की दबा दिया, यहाँ पे एक एरर आ गया रेफरेंसेज में, आई थिंक हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी मिस्टेक तो है नहीं, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसे हमने ठीक ही लिखा था, डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसेज डिपार्टमेंट आई, ठीक है, तो कोई खास मिस्टेक नहीं है, छोटी सी सिली मिस्टेक की है मैंने। चलो इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करा देता हूँ, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट आईडी नेम एड्रेस डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ पे फॉरेन की में
डिपार्टमेंट नंबर को मैं क्या करता हूँ, अंडर द ब्रैकेट डालता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसेस REFERENCES रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर हमारे कॉलम का नाम क्या है, डिपार्टमेंट ID, एंड एंटर की। स्टिल आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज, रेफरेंसिंग कॉलम डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंस्ड कॉलम डिपार्टमेंट फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स आर इनकम्पेटेबल। ओ एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को इंटीजर रखा गया है और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को कैरेक्टर रखा गया है, तो ये दोनों सिमिलर डेटा टाइप के होनी चाहिए। चलिए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपने एक नया चीज़ सीख लिया, तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि भाई यहाँ पे आपको इसको बनाना पड़ेगा char और char में 20 साइज ही दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहां से ले आते हैं दिस एंड प्रेजेंटर की और क्वेरी कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द टेबल टीचर फोर को दिखाते हैं। टीचर फोर में सेमीकॉलन लगा के देखिए। अब आप यहां पे देख सकते हैं, जब किसी कॉलम को आप फॉरेन की डिफाइन कर देते हो तो उसके आगे की वाले कॉलम में यहाँ पे MUL लिखा हुआ दिखेगा, प्राइमरी के केस में PRI दिखेगा, फॉरेन के केस में MUL लिखा हुआ दिखेगा। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, जरा से इसको समझते हैं। इसका एडवांटेज ये है, मतलब फॉरेन की बनाने का फायदा क्या हो गया, फॉरेन की बनाने का फायदा क्या हो कि इस टेबल्स को अब आप को रिलेट कर सकते हैं। मान लो किसी टीचर्स के इंफॉर्मेशन और आपने उससे पूछा मैं किस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम ये डिपार्टमेंट टेबल को एक्सेस करेगा और उस डिपार्टमेंट टेबल्स के अंदर उस डिपार्टमेंट ID को मैच करा के हमें ये बता देगा कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉरेन की को यूज करते समय कुछ और कंसेप्ट है जिसका हमें यूज करना होता है, वो होता है ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। तो ये कुछ कंसेप्ट है, कुछ क्लॉज है जो हम इसके साथ यूज करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई कर रहे होते हो तो वहां पे आप कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हो, किसके थ्रू, ऑन डिलीट और ऑन अपडेट की मदद से। ऑन डिलीट मतलब कि अगर रिकॉर्ड मास्टर टेबल से डिलीट होगा तो जो रेफरेंस टेबल है वहां पे रिकॉर्ड के साथ क्या होना चाहिए, अगर मास्टर टेबल में अपडेट होगा तो जो रेफरेंस टेबल है वहां पे उसके साथ क्या होना चाहिए। ऑन डिलीट सेट नल हो सकता है, कैस्केड हो सकता है, रेस्ट्रिक्स हो सकता है, और ऑन डिलीट अपडेट, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट। तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर आपने ऑन डिलीट सेट नल कर दिया या ऑन अपडेट सेट नल कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिपार्टमेंट टेबल्स में से रिकॉर्ड को डिलीट किया जाएगा तो जो रेफरेंस टेबल है, जो कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस टेबल्स है, उसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू को नल सेट कर दी जाएगी, यानी कि टीचर टेबल में उसकी वैल्यू नल हो जाएगी। अगर डिपार्टमेंट नंबर से किसी डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया गया और वो डिपार्टमेंट नंबर टीचर टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या है, ये देखिए कैसे यूज होगा, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिपार्टमेंट टेबल से रिकॉर्ड्स को डिलीट किया जाएगा या अपडेट किया जाएगा तो टीचर टेबल से भी उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड ऑन अपडेट कैस्केड कि अगर अपडेट किया गया डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में, मान लीजिए डिपार्टमेंट नंबर को चेंज किया गया तो टीचर टेबल के अंदर भी वो डिपार्टमेंट नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या है, ऑन रेस्ट्रिक्ट, मतलब आप रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो। रेस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि किसी भी तरह का रिजेक्शन, डिलीशन या अपडेशन डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में नहीं किया जा सकता है क्योंकि रेफरेंस टेबल के अंदर में उससे रिलेटेड रिकॉर्ड हैं। देयर आर वन और मोर फॉरेन की, अगर कोई भी रिलेटेड रिकॉर्ड उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो उस रिलेटेड रिकॉर्ड की जो मास्टर वैल्यू है डिपार्टमेंट टेबल से वो डिलीट नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसे भी टेबल्स होते हैं जो सेल्फ रेफरेंसिंग होते हैं। सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल का मतलब हो गया कि फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स कैन रेफरेंस कॉलम विद इन द सेम टेबल, और ऐसे टेबल को हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय ID इंटीजर प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की में मैनेजर ID को एम्प्लॉय ID के साथ रिलेट कर दिया गया। मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय का जो मैनेजर होगा वो भी तो एम्प्लॉय ही होगा। एक एम्प्लॉय का जो मैनेजर, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का जो मैनेजर होगा वो भी क्या होगा, एक एम्प्लॉय होगा। तो ऐसे टेबल्स को, ऐसे टेबल जब आप बनाते हैं जहां पे
सेम टेबल्स के अंदर के किसी कॉलम को फॉरेन की के लिए रेफरेंस किया जाता है तो उसे हम सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।